नमस्कार, डेली हेडलाइंस विद शीतल शर्मा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फबारी का जितना फायदा होता है, उतना ही भारी बर्फबारी के कारण लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप जानते हैं कि भारी बर्फबारी के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने से जो है गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी ठंडक जो है वो बनी रहती है, और साथ में गांव के इलाकों में जो चश्मों का पानी होता है वो भी बरकरार रहता है। और फसल की बात करूं मैं तो फसल को बनने में भी बर्फ जो है काफ़ी मदद करती है। लेकिन दूसरी ओर से अगर बर्फ के नुकसान की बात करूं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हुई किश्तवाड़ में, और बहुत सारे घरों में नुकसान भी हुए। कहीं पे घर टूट गए, एक जगह छोटे बच्चे को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जहां बर्फ़ के फायदे हैं वहां बर्फ़ के बहुत सारे नुकसान भी हैं। किश्तवाड़ में लगातार 20 दिनों से आज बिजली भी गुल है। कहीं एक घंटा आती है, किश्तवाड़ टाउन में तो बिजली आ जाती है, लेकिन किश्तवाड़ के अलावा अगर मैं ऊंचे-ऊंचे इलाकों की बात करूं तो वहां पे अभी भी बिजली पहुंचाई नहीं गई है। आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक खबर आई है कुंतवाड़ा इलाका से। कांदनी से 20 किलोमीटर दूर कुंतवाड़ा इलाके में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम हिल्लूर है। वहाँ से खबर आई है हमारे पास, जहाँ एक घर पर अकेली रहने वाली महिला जिसका घर इस भारी बारिश और बर्फबारी के कारण गिर चुका है, पूरा घर जो है ग्रस्त हो चुका है। उसी घर में वो अपना माल मवेशी भी रखती थी, लेकिन किसी भी जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन उसका घर जो है वो गिर चुका है। उनका कहना है कि वो अकेली जो है अपना घर चलाती हैं, अकेले जो है अपने घर पर रहती हैं, लेकिन उसका घर गिर जाने की वजह से अब उसके पास कोई घर नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है। वो यही गुहार लगाते हुए दिख रही है कि सरकार और यहाँ का प्रशासन जो है उनको जल्द से जल्द मदद करें। आप जानते हैं कुंतवाड़ा एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा हुआ इलाका है और काफ़ी फार फ्लंग इलाका है, जहाँ पे अभी रोड तक नहीं पहुँची है। उस महिला का यही कहना है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार उनको जल्द से जल्द उन तक जो है मदद पहुँचाई जाए, और उनका यह भी कहना है कि इतना जल्दी अपना घर नहीं बना सकती हैं। इसलिए हम भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वो उनको मदद पहुँचाए, जल्द से जल्द उन तक राहत पहुँचाएँ। हमारी बात हिल्लूर के वाइस सरपंच से भी हुई, आइए देखते हैं क्या कहा हिल्लूर के वाइस सरपंच ने। मैं हिल्लूर पंचायत का नायब सरपंच रतन सिंह, इलाका कुंतवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। हाल ही में जो बर्फबारी हुई, इससे हमारे पूरे पंचायत में बहुत भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे कि मैंने पूरे इलाके का दौरा किया तो देखा कि हिल्लूर रूपदेही नाम एक बेवा औरत है जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका माल मवेशी का मकान बर्फबारी से गिर चुका, और बहुत सारे लोगों का दीवारों का नुकसान भी हुआ है। जो दीवारें क्रेक हुई है, मकान क्रेक हुए हैं, उनका भी मैंने नुकसान देखा। दरख्तान जो थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, लोगों ने सेबों के दरख्त लगाए थे, खोड़ साड़ी वगैरह बहुत किस्म के दरख्त लोगों ने लगाए थे, वो बर्फबारी से टूट कर ख़त्म हो चुके। इस वक्त भी हमारे गांव में, इस वक्त इलाका में 1.5 मीटर से ज़्यादा बर्फ़ है, हमारे आने जाने के रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, हमारी जो राशन है वो भी खचरें नहीं आ सकते। 10 किलोमीटर रोड से ऊपर ये इलाका जा पड़ता है, जिसमें कि हमारे खचरों का आने जाने का रास्ता जो है वो भी बंद हो चुका है। मैं जनाब DC साहब से, तहसीलदार साहब से, BDO साहब से अपील करता हूँ कि वो नरेगा के तहत इस बर्फ को हटाया जाए और हमारी ये मुसीबतें जो हैं ये हल हो सके। किश्तवाड़ की हर खबर सबसे पहले जम्मू जोश आप तक पहुंचाता है। किश्तवाड़ की हर सटीक खबर और सभी इलाकों से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो लोगों की समस्याएं हो, चाहे वो राजनीति हो
या फिर हो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबर। जम्मू जोश पूरी कोशिश करता है कि ज़िला किश्तवाड़ के कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाएं। बस इसके लिए आपको हमारा पेज जम्मू जोश का पेज फॉलो करना है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube पे जा सकते हैं। YouTube पे आप सर्च कीजिए जम्मू जोश किश्तवाड़ और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद ज़िला किश्तवाड़ की कोने कोने की खबर आप तक पहुंचेगी। इसी के साथ आज की डेली हेडलाइंस में बस इतना ही। अगली डेली हेडलाइंस के साथ मैं फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।